हे गाइस, सब्सक्राइब करें आयरन रॉक्स टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन पे प्रेस करें, ऑल सिलेक्ट करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक न्यू अनदर वीडियो। गाइस कैसे हो यार आप लोग? आई होप यार आप लोग ठीक होंगे। गाइज आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री को कैसे डिलीट किया जा सकता है। गाइज आप लोगों को पता ही होगा कि क्रोम ब्राउज़र पे अगर हम कोई वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं तो हमारी हिस्ट्री वहां पर सेव हो जाती है। तो गाइज ऐसे में क्या होता है कि अगर हम लोग अपने फ़ोन को छोड़ दें या अपना फ्रेंड्स कोई उसे छू ले या वहाँ पर जाके वो चेक कर ले, देखो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपकी पर्सनल डेटा को चुरा सकता है। तो गाइज ऐसे में आप लोगों को आपकी हिस्ट्री को क्लियर ही रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही सिखाएंगे कि आपका क्रोम ब्राउज़र पे जो भी हिस्ट्री सेव रहती है उस हिस्ट्री को कैसे डिलीट किया जा सकता है। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ओपन करना होगा क्रोम ब्राउज़र। अब यहाँ पर आप लोगों को जाना होगा, यहाँ पर थ्री लेयर्स दिख रहे होंगे, सिंपली थ्री लेयर्स पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद गाइज अब आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हिस्ट्री का ऑप्शन, सिंपली हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज आप लोग यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूँगा, देख सकते हो आप लोग कितनी यहाँ पर मेरे वेबसाइट यहाँ पर सेव है, जहाँ जहाँ पर मैंने विजिट किया है वहाँ वहाँ पर सब कुछ यहाँ पर सेव हो रखा है। तो गाइज ऐसे में होता क्या है, हम लोग कोई भी आप लोग लाइक समझ सकते हो यार, अगर आप लोगों ने फोन देख लिया यार ऐसे छोड़ दिया तो कोई भी बंदा यार फ़ोन टच करके देख लिए तो गाइज प्रॉब्लम हो सकती है यार। सो इसके लिए क्लियर करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हो क्लियर ब्राउज़र डेटा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बेसिक यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर टाइम रेंज आप लोग देख सकते हो, टाइम आवर्स यहाँ पर देख सकते हो। इसका मतलब गाइज यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लास्ट 24 आवर्स यहाँ पर दिखा रहा है। अगर 24 आवर्स में आपने विजिट किया है, आप लोगों को वेबसाइट पे चेक किया है तो 24 आवर्स लगा सकते हो, लास्ट 7 डेज भी लगा सकते हो, लास्ट 4 वीक भी लगा सकते हो या ऑल टाइम भी लगा सकते हो। चलिए मैं ऑल टाइम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं ऑल टाइम मेरा जो भी है मैंने विजिट किया हुआ है वेबसाइट्स पर उन सब वेबसाइट्स को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर मुझे चेक मार्क लगाना होगा, ऑलरेडी चेक मार्क लग चुका है। अगर आप लोगों का चेक मार्क नहीं लगाया है तो इस तरीके से आप लोग चेक मार्क लगा सकते हो। ऑलराइट गाइज एक तो हो गई बेसिक, अब एडवांस पे जाना होगा, सिंपली एडवांस पे क्लिक करते हैं। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आप लोग को देख सकते हो ब्राउज़र हिस्ट्री, यहाँ पर कुकीज़ एंड साइट डेटा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो थ्री में सेव पासपोर्ट। इस सेव पासपोर्ट का मतलब गाइज ये है कि आप लोग अगर कोई रजिस्टर करते हो किसी साइट्स पर तो आप लोगों का पासवर्ड ऑलरेडी सेव हो जाता है, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ऐसी सोशल मीडियाज़ का भी यहाँ पर पासवर्ड ऑलरेडी सेव हो जाता है क्रोम पर। तो उनका भी पासवर्ड अगर आप लोग डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली इसके ऊपर चेक मार्क लगा दीजिएगा। अगर यहाँ पर आप लोग ऑटो फिल फॉर्म डेटा, यहाँ पर भी चेक मार्क लगा दीजिएगा। सेट सेटिंग्स, यहाँ पर सेटिंग्स आप लोग अगर क्रोम ब्राउज़र पे सेटिंग्स कोई एक सेटिंग कर रखी है तो उसे डिलीट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, अगर आप लोग डिफ़ॉल्ट सेटिंग चाहते हो तो। ओके, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे पासवर्ड्स यहाँ से डिलीट हो जाए तो सिंपली मैं यहाँ से ये सेटिंग को इतना ही रहने देता हूँ। तो फिर से बेसिक पे चले जाता हूँ। अब आप लोगों को यहाँ पर क्लियर डेटा पे क्लिक करना होगा और डेटा को क्लियर कर लेना होगा। ओके गाइज यहाँ पर देख सकते हो आपको क्लियर के ऊपर क्लिक करना होगा। अब सिंपली थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है, आपको वेट करना होगा। इतना हो जाने के बाद गाइज आपकी हिस्ट्री क्लियर हो चुकी है तो मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। अब बैक होने के बाद आप लोगों को मैं फिर से जाके दिखाता हूँ, थ्री लेयर्स पे क्लिक करता हूँ, हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो पेजेस दिस इज विजिट अपेयर हेयर। ओके, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हमारे डिलीट हो चुके हैं। इस तरीके से आप लोग हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हो। आई होप गाइज कि आज का वीडियो यार आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।